नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कमलनाथ की पूरी सरकार 16 फरवरी को जबलपुर में रहेगी, जिसकी तैयारी को लेकर शासन प्रशासन से लेकर पुलिस विभाग तक दिन रात एक कर रहा है। गुरुवार को ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह, वित्त मंत्री तरुण भनोट ने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कैबिनेट बैठक के बाद सदन में होने वाली मुख्यमंत्री सभा को लेकर चर्चाएं की गई। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिले के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कैबिनेट की बैठक के माध्यम से प्रदेश के मुखिया कमलनाथ एक अलग संदेश देना चाहते हैं। अभी तक बैठक भोपाल में होती थी, अब जबलपुर में इसे करने का मकसद यही है कि सभी प्रमुख शहरों का विकास तेजी के साथ हो। मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि कांग्रेस जो वचन चुनाव में दिए थे वे एक एक कर पूरे कर रही है। कांग्रेस की सरकार इन वचनों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। शहर के रिहायशी इलाके में स्थित ऑटोमोबाइल्स के वर्कशॉप पर आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से जहां आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं वर्कशॉप में रखी 6 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 4 से ज्यादा फायर ब्रिगेड वाहनों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से वर्कशॉप पर रखी गई कई गाड़ियों में पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आज सुबह अचानक वर्कशॉप में धुआं उठने लगा, और देखते ही देखते आग वर्कशॉप में खड़ी कार तक पहुंच गई, जिसके चलते वर्कशॉप में बनने वाली कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। यूं तो प्यार कहने को एक लफ्ज है, पर ये लफ्ज जब भावनाओं में बदलता है तो ना ही मजहब देखता है ना ही सरहद। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर के गौरव और ऑस्ट्रेलिया की जुरैला के बीच। लंदन में प्यार परवान चढ़ा और भारत में रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए। वैलेंटाइंस वीक पर दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर का साथी बना लिया और प्यार का रिश्ता पवित्र बंधन में बदल गया। ऑस्ट्रेलिया से जुरैला के साथ उनके माता पिता, बहन और उनके दोस्त भी जबलपुर आए हैं, जिन्होंने शादी की तैयारियों से लेकर शादी के सभी रस्म रिवाज में बड़ी उत्साह के साथ शामिल हुए। शादी में जुलैला के रिश्तेदार भारतीय परिधान में ही नजर आए। ये ऑस्ट्रिया में थी, हम लोग कहीं पर मिले, उसके बाद फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई, फिर ये ऑस्ट्रिया में रहती थी, फिर लंदन आ गई, फिर हम लोग साथ में काम करने लगे और फिर बात ऐसे बढ़ती गई। आज हम लोग यहाँ इंडिया आए हुए हैं, यहाँ शादी करके फिर पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।